हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आयुषी मुकुल चैनल पे आपका स्वागत है। तो जय माता दी। और बताइए, आपके घर माता रानी आई है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे घर तो माता रानी आ चुकी हैं। आज पहला नवरात्र है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करूं आयुषी मुकुल के चैनल पे। सो फ्रेंड्स, मेरी माता तो मुझसे बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ विधि इस प्रकार करनी है। जो हमारी चौकी होती है, चौकी पर नया लाल कपड़ा मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वो खरीद के चौकी पर अच्छे से बिछाएँ। और जो माता हैं, नई माता खरीद लीजिए आप, या फिर कैलेंडर हो, कुछ भी हो, नए माता की स्थापना कीजिए लाल कपड़े पे और चौकी पे। और घर में जितनी भी मतलब पोस्टर या माता के फोटोज़ होते हैं, वो आप इनके साथ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नई चुन्नी मंगवाई थी माता रानी के लिए। सारा सामान आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो पूजा विधि का सारा सामान होता है। ये मैंने फूल की माला माता को अर्पित की है, और माता रानी मेरी बैठी हुई हैं, और मैंने जो मतलब गुलाब के फूल होते हैं वो मैंने सब अर्पित कर दिए हैं। मेरे सारे जो देवी देवता शंकर भगवान सब हैं, वो वैष्णो माता के फ़ोटो में हैं, तो उसी के साथ मैंने पूजा स्टार्ट की है। ये मैंने फ्रूट्स लिए हैं कुछ। आपके पास कुछ फ्रूट्स नहीं हो तो आप खीरा या कोई भी फ्रूट्स हो, दो फ्रूट्स आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने कलश, जो अलग से लोटा होता है, लोटा वो मैंने पानी भर के और फूल भर के रख दिया है। ये मेरी माता के सारा मेकअप का सामान है, काजल, कंघा, शीशा, इत्र सब कुछ है। इसमें सिंदूर भी है माता रानी का, तो वो मैंने सब माता रानी के सामने रख दिया। इत्र चढ़ा दिया था माता रानी का। इत्र चढ़ाने के बाद जो मैंने मतलब कलश स्थापना भी करनी है मुझे, ये माता रानी की चूड़ी भी मैंने अच्छे से रख दी। जितना भी श्रृंगार का सामान है, आप एक जो लिफाफा होता है वो उसमें आता है, माता रानी का पूरा जो 16 श्रृंगार होता है वो उसमें मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये मैंने दिया प्रज्वलित करने के लिए दिया और देसी घी का दिया रखा है, और जो धूप होती है धूप दिखाने के लिए वो भी मैंने रख दी है। अभी इसे हम प्रज्वलित करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सिंदूर या जो भी आपका टीका हो वो मैंने माता रानी के लगा दिया है। माता रानी के टीका लगाने के बाद ये दुर्गा चालीसा, जो इसमें सारी आरती होती है, वो भी इसमें हम लेंगे। मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया है। ये आई हमारी कलश की स्थापना करने की बारी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक साफ कलश लेके, जो बड़ा लोटा होता है, लोटे को मैंने साफ करके अच्छे से इसमें गंगा जल और थोड़ा पानी भर के इसे मैंने जो कलावा होता है उससे मैंने अच्छे से इसे बांध दिया है। तो फ्रेंड्स, किसी सबकी अपनी अपनी राय होती है पूजा में भी, ऐसा नहीं है, आपकी जो है आप वो करिए। ये मेरी कुछ विधि थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कलावा बांध दिया। उसके बाद मैंने इसमें ना जो आम के पत्ते होते हैं वो कहीं भी मिल जाते हैं आम के पेड़ के पास, तो ये मैंने आम के पेड़ के पत्तों के ऊपर मुझे थोड़े से चावल लिए हैं कटोरी में। ध्यान रखें, इसमें टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सारे साबुत चावल होने चाहिए, जिससे कि हमारे घर में बरकत रहे, अच्छा रहे और घर की हर मनोकामना पूरी हो। ये मैंने जो सतिया होता है वो काढ़ा है कलश पे। सो फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार करिए तो आपकी भी जरूर मनोकामना पूरी होगी। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें नौ दुर्गों में। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कलश स्थापना कर दी है। ये मैंने माता रानी के पास में ही कलश स्थापना करके इसमें नारियल रख दिया है। मेरे पे चुनरी नहीं थी, थोड़ा मुझे ध्यान भी नहीं था, नहीं तो मैं चुनरी लपेट के नारियल रखती। ये मेरी जो धूप और दिया प्रज्वलित करने के बाद कुछ जो आहुति देनी होती है हमें माता रानी के नाम से, वो हमने जो आम की लकड़ी होती हैं वो छोटी छोटी नो तोड़ लीजिए। उसके बाद आपको इसे अच्छे से एक प्लेट में या किसी भी हांडी, जो भी चीज़ हो आपके पास जिस पर आप हवन करते हैं, उस चीज़ में रख के अच्छे से इसे रखिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कपूर रखेंगे। कपूर रखने के बाद इसमें हम एक एक करके आहुति देंगे हर चीज़ की, लौंग बतासे और ये सुपारी, इन सब चीज़ों की हम एक एक करके इसमें आहुति देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने टीका करा है। टीका करने के बाद हमने इसमें हाथ जोड़ के माता रानी का नाम लिया, माता रानी का ध्यान किया दिल में, मन में अपने, ताकि माता रानी हमसे नाराज ना हो, हमसे कोई गलती हो जाए पूजा पाठ में तो माता रानी से क्षमा मांग लीजिए। ये मैंने कपूर रखने के बाद थोड़ा सा इसमें माचिस से बत्ती दिखाई, उससे हमारी माता रानी आ गई हैं। सो फ्रेंड, उसके बाद मैंने हाथ जोड़े, माता रानी का ध्यान लगा के थोड़ी देर बैठे हैं। फ्रेंड्स, माता रानी सबकी सुने, सबकी मनोकामना पूरी करें। सबको आस होती है कि हमारे घर आएँ, हमारे घर आएँ माता रानी। अगर आपको आपकी पूजा में ज़रा थोड़ी बहुत भी कमी या
कोई भी गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांग सकते हैं माता रानी से। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक बतासा और दो लौंग, फूल वाली लौंग हो, खाली लौंग नहीं हो, थोड़ा एक जायफल देसी घी में हल्का सा भिगो के आपको इसमें चढ़ाना है। उसके बाद जो सुपारी होती है उसे भी आप हल्का सा देसी घी में भिगो के आप माता रानी को आहूति दे सकती हैं। ये हमने कंडी आहूति देनी होती है, ये हमारी थोड़ी सी सामग्री है जो हम 9 बार चढ़ाएंगे माता रानी के लिए ध्यान करके अच्छे से, ताकि हमसे कोई गलती हो तो माता रानी क्षमा करें हमें, और हम इसके बाद हमें पूजा समाप्त करने के लिए ये सब चढ़ाने के बाद अच्छे से ध्यान करना है मन में और माता रानी से क्षमा मांगनी है कोई गलती की। तो उसके बाद हमने क्या करना है, दुर्गा माता की या माता रानी की आप आरती उतारें, अच्छे से सब जगह दिया दिखाएं, जितने भी भगवान जी आपके घर मूर्ति हैं सब पे दिया धूप सब कुछ दिखाएं और माता रानी से क्षमा मांगें और माता रानी से आज्ञा लें कि हमारा व्रत स्वीकार करें। तो जय माता दी, जय माता दी।